यहाँ पे एक मिशन का शुभारंभ किया गया है और ये मिशन उन लोगों के लिए है जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशान है, वो उन लोगों को हम लोग आर्थिक मदद करके और फिर हम लोग उन लोगों की काउंसलिंग करके और प्रॉपर वे में उनको पैरामेडिकल के छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, वो हम कराने का काम करेंगे इस मिशन के दरमियान। और इस मिशन का नाम है शिक्षा दान। तो शिक्षा दान बहुत अच्छा नाम दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को एक रुपया नहीं लेना है उनसे और उन्हें ऐसे 50 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जिनसे एक रुपया भी नहीं लेगी। हेल्थ केयर अकेडमी के माध्यम से जितने भी बच्चे पैरामेडिकल करेंगे उन्हें 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दी जाएगी कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आप आसानी से 15 से 20 हज़ार रुपया बिहार में, 20 से 30 हज़ार रुपया बिहार के बाहर कमा सकते हैं। 2 साल का पैरामेडिकल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, आराम से आप ये अमाउंट सैलरी के रूप में। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका है। पटना में एक और नामी गिरामी संस्थान जो है वो खुल चुका है जो कि छात्र छात्राओं को पैरामेडिकल की पढ़ाई करवाएगा और आज ही इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बिस्कुमान के चेयरमैन सर, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह और पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय जी मौजूद थे। उद्घाटन हुआ है आज बहुत ही अच्छा पैरामेडिकल संस्थान का, जहाँ पर डिप्लोमा कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। आज ही इसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ है ऑफर इस संस्थान के जरिए और कैसे संस्थान में पढ़ने वाले जो बच्चे को जो प्लेसमेंट है वो संस्थान करवाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए उज्जवल कुमार सिंह होंगे मौजूद जो कि जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के डायरेक्टर हैं। उज्जवल जी, आज से आपने शुरुआत की, क्या मिशन है और क्या सोचकर ये संस्थान खोला है आपने? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी दर्शकों को मैं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और क्या खुला है, तो इसमें जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का शुभारंभ हुआ है और ये शुभारंभ सच पूछिए तो पहले ही हो चुका था, अभी उसके अंदर एक मिशन की शुरुआत हुई है। ये शुभारंभ पहले ही हो चुका था, मैंने इसलिए बोला कि इसका ऑलरेडी इनॉग्रेशन जो है ना वो पहले हो चुका था। आज जो आप लोग आए हैं यहाँ पे एक मिशन की का शुभारंभ किया गया है और ये मिशन उन लोगों के लिए है जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशान हैं, वो उन लोगों को हम लोग आर्थिक मदद करके और फिर हम लोग उन लोगों की काउंसलिंग करके और प्रॉपर वे में उनको पैरामेडिकल के छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, वो हम कराने का काम करेंगे इस मिशन के दरमियान। और इस मिशन का नाम है शिक्षा दान। वो शिक्षा दान बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को एक रुपया नहीं लेना है उनसे और उन्हें ऐसे 50 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जिनसे एक रुपया भी नहीं लेगी संस्था और उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स कराएगी। और इसके साथ ही हम डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे करा रहे हैं बच्चों को, जिसकी फ़ी जो है जैसे ऐसे तो लोग समझते हैं कि जीडी गोयनका है तो बहुत ज़्यादा फ़ी होगा, बट उसका भी फ़ी हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। बच्चों को ये हम बताना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जितने पैसे में बच्चे जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी दिल्ली जाते थे, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दिल्ली जाते थे और वहाँ पे हॉस्टल में जितना खर्च कर देते थे, उतने पैसे में यहाँ वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी के माध्यम से जितने भी बच्चे पैरामेडिकल करेंगे उन्हें 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दी जाएगी। और हम अगर पॉपुलर हैं पैन इंडिया में तो अपने कैंपस सिलेक्शन को लेकर के हैं, हमारे साथ जितने भी हॉस्पिटल्स जुड़े हैं, हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स जो हैं वो सब भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो लोग जुड़े हैं। तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी सुविधा जो मिलती है बच्चों को, सब एक सेकंड सर रुकना चाहूँगा, ये सब जो बड़े बड़े नामी गिरामी अस्पताल के जो यहाँ पर नाम लिखे गए इनसे आपका टाइप है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, आप नाम को देख सकते हैं। और जीडी गोयनका अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। यहाँ पे हम बच्चों से एक चीज़ मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्लास करना पड़ेगा बच्चों को अगर पढ़ना है तो, ऐसे बिना क्लास किए हुए अगर आप चाहेंगे सर्टिफिकेट लेना तो हमारे यहाँ से संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ क्लास करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपरली टेक्निकल सभी तरीक़ों से उन्हें मतलब शिक्षित किया जाएगा और उसके बाद हम प्लेस करेंगे। चूँकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं सब बड़े ब्रांड हैं, तो उन्हें अगर हम पे भरोसा है तो वो सिर्फ इसलिए है चूँकि हम जीडी गोयनका हैं। एक्चुअली क्या है कि जीडी गोयनका पैरामेडिकल एकेडमी जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज कराता है। हमारे यहाँ से जितने भी लोग डिप्लोमा करेंगे, मैंने आपको बताया कि 100% प्लेसमेंट उनको असिस्टेंस मिलेगा कैंपस से ही, हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स का नाम अभी आपने देखा। साथ में हम लोन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं,
0% इंटरेस्ट पे हम लोन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, ताकि बच्चों को ना ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड के भरोसे बैठे रहें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उनको 0% इंटरेस्ट पे फाइनेंस की भी सुविधा यहाँ से दी जा रही है। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हुए, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि डिप्लोमा कोर्स जो है, जितने पैसे में हॉस्टल में रहते थे वहाँ बच्चे, उतने पैसे में यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नो डाउट कि बिहार से मैक्सिमम बच्चे दिल्ली जाया करते थे जीडी गोयनका में पढ़ने के लिए, ताकि उनका प्लेसमेंट सुरक्षित नजर आए। आज के डेट में बच्चे सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? हमारा प्लेसमेंट सुरक्षित हो। दिस इज़ द कॉलेज, दिस इज़ द एकेडमी, जहाँ पे बच्चों को ये स्पष्ट बता दिया जाता है कि आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ से दी जाएगी। आती है बात कि हमने जो आपको बताया कि फ्री एजुकेशन के बारे में, जो शिक्षा दान जो आज का मिशन था, जो आज का इनॉग्रेशन हुआ शिक्षा दान मिशन, मिशन शिक्षा दान का, तो मिशन शिक्षा दान के अंतर्गत हम ब्लॉक लेवल पे जाकर और बच्चों को सबसे पहले क्या करेंगे, जागरूक करेंगे कि ऐसा नहीं है कि तुम मेडिकल नहीं कंप्लीट कर पाए, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, तुम सीए नहीं कंप्लीट कर पाए तो तुम्हारी करियर बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अगर है तो असिस्टेंट डॉक्टर भी है, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, बहुत सारा ऐसा उपाय है। घर बैठ करके और सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस मिशन के माध्यम से बच्चों को जागरूक करेंगे। वैसे जो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा होगी और उसके बाद उनके पास वो आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं होंगे, तो उनसे उन बच्चों को हम इस बैच में सेशन 23-24 में 40 से 50 ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैं सिलेक्शन करूंगा और उन बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स। हाँ। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये 6 महीने का जनरली होता है, ठीक है। इसके बाद वो अपने पैर पे खड़ा हो पाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा समाज निर्माण अच्छे तरीके से। एक आखिरी सवाल है कि पैरामेडिकल करने वाले छात्र कितना कमा सकते हैं? आपने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो सपने पूरे नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आप आसानी से 15,000 से 20,000 रुपया बिहार में, 20,000 से 30,000 रुपया बिहार के बाहर कमा सकते हैं। 2 साल का पैरामेडिकल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, आराम से आप ये अमाउंट सैलरी के रूप में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये उज्ज्वल कुमार सिंह हैं जिन्होंने शुरुआत की है पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, देख सकते हैं जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी, आज से शुरुआत हुई, जो कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स जो है वो पैरामेडिकल में करवाएगा। आज ही आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। मृत्युंजय जी जो कि पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। आज बिल्कुल नया नवेला संस्थान खुला है, सब कुछ नया सा है तो छात्रों के लिए सुनहरा मौका है कि गरीब छात्रों को सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो ये संस्थान जो है वो मुफ्त में भी करवाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।